तो इतना ख्याल रखो, ऊपर से कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। किसने कहा तुम्हें मेरा ख्याल रखना, ना रखा करो। ठीक है बेटा, जब मैं चली जाऊंगी ना तो पुकारते रहना, कल्लो कल्लो। ओ जाओ जाओ, मेरी तरफ से कल की जाती, आज जाओ तुम, जाओ। मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत खूबसूरत है, उसके लंबे घने स्याह काले बाल हैं जो उसकी कमर तक जाते हैं, उसकी गहरी झील जैसी आंखें हैं जिनमें डूब जाने को दिल करता है, वाह। और जो उसकी रंगत है ना, वो गोरी सफेद चांदनी जैसी बेताब है। ओहो, आज तो बुटीक में बहुत ज्यादा रश था, थक गई मैं तो। क्या पकाया जा रहा है? भिंडी की भुजिया। भिंडी? भिंडी तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन तुम जानती हो ना, बच्चे जैसे ही सब्जी का नाम सुनते नाक चढ़ाते। तुम ऐसा करो कि भिंडी के साथ साथ चिकन की कोई और डिश बना दो। पाला, ऐसा क्यों होता है कि लोग सादी चीजों को छोड़ के चमक धमक की तरफ बढ़ जाते हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि चमक धमक बस कुछ दिनों की होती है? अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं और ये आंखें वही चीजें देखना चाहती हैं जिनमें रंग होते हैं, शोख और चंचल चीजें। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? और दिल, दिल का क्या? ओफो, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? हाँ, वो जो सामने वाला घर है ना हमारा, वहां से कोई लड़की आई है। लड़की? कौन सी लड़की? लाइबा ही होगी, और कौन होगा? हाँ, लाइबा ही है, लाइबा ही है। जाओ कुलसुम, जाके देखो, पता नहीं किस काम से आई है। और ये जो बताए बगैर लोग आते ना, ये तो वैसे ही मुझे समझ में नहीं आते। कुलसुम, लाउंज में इंतजार करिए। जाओ कुलसुम। खाले, मैं भिंडी काट रही हूँ ना। जाओ ना, मैं देख लूंगी। जाओ, शाबाश, जाओ। वो मैं तस्वीरें देख रही थी, बहुत खूबसूरत है, इसलिए आपको क्या आने का पता नहीं चला। थैंक यू। वो ये सब कुलसुम ने ही किया हुआ है। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। हाँ, दुनिया की तो हर शय खूबसूरत होती है, देखने के लिए तो बस नजरें चाहिए। एनीवे, रेहान, मैं कुलसुम का कजन। डॉक्टर लाइबा, कुलसुम की नई दोस्त।
जी कुलसुम है ही इतनी अच्छी कि सब उसके दोस्त बन जाते हैं। हाँ लाइबा तुम्हें कोई काम था? नहीं तो फिर आने का मकसद? वो तुमने तो कहा था कि जब भी घर में बोर हुआ करो तो मेरे पास आ जाया करो। प्रिसाइसली प्रिसाइसली बिल्कुल ठीक कहा। पड़ोसी होते किस लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए तो होते हैं। नहीं वो मैंने इस उससे कहा था कि जब मेरे पास फुर्सत हो ना तब आया करो, मतलब मुझे बहुत काम होता है अभी भी, बिल्कुल मेरे पास काम मतलब वक्त नहीं है बैठने का तुम्हारे साथ, तो सॉरी। ठीक है मैं बाद में आ जाऊंगी। बाय बाय। तुम अगर थोड़ी देर बैठ जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं बताओ क्या मतलब है? मैं फिलहाल तुमसे बहस नहीं कर सकता। पागल। जहां लड़की देखी बस। लाइबा वही लड़की है, इसका मैं पता नहीं कब से इंतजार कर रहा था। अब मेरे सामने आई है ना, बिल्कुल बिल्कुल घबरा गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। सामान मेरा साथ ही नहीं दे रही। तुम पता है मैं उसको खोना नहीं चाहता। कलो वैसे कर लो, तुमने आज उस पुजारी के साथ अच्छा नहीं किया। किसके साथ? लाइबा की बात कर रहा हूँ। पता नहीं किस दिल से आई थी वो हमारी तरफ। तुमने ना चाय का पूछा, नहीं कॉफी का। बंदर कर्टसी में पूछ ही लेता है यार। ठीक है मेरी गलती थी, लेकिन तुम देख रहे थे मैं कितनी मसरूफ थी। तुम भी तो ऑफर कर सकते थे उसे कुछ, तुम भी तो वहीं थे। हाँ वैसे पूछ तो मैं भी सकता ही था। गलती हम दोनों की है, तुम मुझे ना ब्लेम करो। अच्छा मेरी बात सुनो, वो दोबारा आएगी? कौन? ओ मुझे क्या पता। तो तुम उसे बुलाने जाओगे? मैं क्यों जाऊंगी उसे बुलाने? क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती है तुम? अच्छा कर लो। लाइबा है बड़ी खूबसूरत। खूबसूरत? सिर्फ गोरा होने को खूबसूरती नहीं कहते। आंखें देखिए उसकी, जैसे कोई बिल्ली। उसको हेजल आईज कहते हैं, अंग्रेजों की होती हैं ऐसी आंखें। हाँ 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 हाँ। बड़ी ही खुला माना तबीयत पाई है आपने जनाब। पता ही नहीं है कि असल कशिश गंदमी रंग में होती है, आटे जैसे फीके रंग में नहीं होती। मैं भी किसको समझा रही हूँ, बंदर क्या जाने अदरक का साथ। चलो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता लाइबा वही लड़की है, इसका मैं पता नहीं कब से इंतजार कर रहा था। अब मेरे सामने आई है ना, बिल्कुल बिल्कुल घबरा गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। सामान मेरा साथ ही नहीं दे रही।
पता है मैं उसको खोना नहीं चाहता कल, सुन रही हो ना, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तुम बताओ मुझसे बात करें इस बारे में, बताओ ना गल्लू मुझसे बात करें इस बारे में, मुझे बहुत अच्छी लगती है गल्लू तुमसे बात करूं, मेरी बात का जवाब तो दो ना। मेरी बात का जवाब ये क्या तुम यू मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे ये हम, मेरे चेहरे की स्याही इतनी गहरी है जो मेरे नसीब को भी स्याह कर गई। अगर उसने मुझे मोहब्बत करने का हक दिया है तो फिर बदले में ये बेपरवाही क्यों? क्या उसको कभी एहसास नहीं होता कि इस दिल में सिर्फ उसकी मोहब्बत ही बसती है? ऐसा क्यों या रब, कुछ नहीं तो इतना तो कर दे मौला कि अगर वो मेरा ना हो तो मेरी मोहब्बत से आशना तो हो। तुम यहाँ? वो हाँ तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ था, तुम्हारी अम्मी मिली थी नीचे, उन्होंने बताया तुम रूम में हो। बैठो ना प्लीज। मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, माजरत करने आई हूँ तुमसे। उस दिन? हाँ उस दिन तुम घर पे आई थी और मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया था। अच्छा Honestly speaking, मैंने तो फेल भी नहीं किया। फेल ना करना और फेल करके इजहार ना करना दो अलग अलग चीजें होती हैं लाइफ में। लेकिन गलती तो मेरी भी थी ना, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, ऐसे बिना बताए आ गई मैं। हाँ अब इंसान है, गलती भी करेंगे फिर माफी भी मांगेंगे। Honestly मुझे बुरा नहीं लगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन तो आजकल तो मार्केट्स में बहुत सी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आपका बेटा भी तो ठीक है। जैसी आपकी मर्जी, आपको पूरा हक हासिल है कि आप अपने लिए जो बेहतर समझें वही फैसला करें। क्या हुआ मम्मी, किसका फोन था? इनकार कर दिया उन लोगों ने, वो अपने बेटे की शादी कुलसुम से नहीं कर सकते। वजह? बकौल उनके कुलसुम की रंगत दबी हुई और उन्हें अपने बेटे के लिए
गोरी रंगत वाली लड़की चाहिए। ये क्या वजह हुई अम्मी? उन्हें कुलसुम जैसी सुगढ़ और सबका ख्याल रखने वाली लड़की मिल ही नहीं सकती। और क्या वो प्यारी नहीं है? बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसके चेहरे से ज्यादा उसका दिल खूबसूरत है। रियान, ये बात हम सोचते ना, लेकिन उन जैसे लोग नहीं, और अक्सरियत इन लोगों की, वो अपनी खूबसूरती सिर्फ रंगत में देखते। तो फिर तो अम्मी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो लोग कुलसुम के लायक ही नहीं थे। अक्सरियत तो ऐसे ही लोगों की है ना, कहाँ होगा उसका रिश्ता? आप फिक्र ना करें, कुलसुम का रिश्ता आएगा, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, और इतना ही अच्छा होगा जितनी अच्छी वो खुद है। ऐसे लोग मिलेंगे उसे जो ज़ाहिर ब्यूटी पे किसी को जज नहीं करते, इंसान को इंसान समझते। क्या तुम इतने समझदार हो? बुद्धू, मैं कोई पहली लड़की थोड़ी हूँ, ना ही ये मेरे साथ पहली दफा हो रहा है कि मुझे गशी के दौरे पड़े। क्या तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? जो मेरी किस्मत में था ही नहीं, उसके लिए रोना कैसा? मेरे लिए या किसी भी लड़की के लिए ये कोई हैरत की बात नहीं है। हम लड़कियों को तो इन्हीं फैसलों से गुजरना पड़ता है, इन्हीं हादसात को झेलना पड़ता है, और फिर ऐसे ही किसी हादसे में हम डोली पे चढ़ जाते हैं। ना जाने कितनी लड़कियां जो मुझसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, गोरी, बेऐब, बेदाग, लेकिन उनकी भी शादियां नहीं होती। कोई उनसे जहेज मांगता है, कोई पैसे, फिर उनके माँ बाप उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बस लग जाते हैं पैसे इकट्ठे करने में। बुरा तो उन लड़कियों को लगता होगा ना रेहान, मैं तो फिर काली हूँ। ध्यान देखो, रात भी कितनी स्याह और काली है कि हर चीज ही छुप जाती है, यहाँ तक के तारे भी। हाँ, देखा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अंधेरे का तो कोई वजूद ही नहीं है। ये तो रोशनी के ना होने की निशानी है, और तुम्हारी रंगत बिल्कुल भी कम नहीं है। ये उन लोगों की अकल पे पर्दा पड़ चुका, अंधेरे का पर्दा, जो तुम्हारे वजूद से फूटती हुई रोशनी देख नहीं सकते। लेकिन इस अंधेरे को छटना हो, वो सुबह जरूर आएगी, कलो जरूर आएगी, वो जब हर चीज साफ शफाफ होगी, हर तरफ रोशनी होगी, हर चीज साफ दिखाई देगी। लेकिन तुम्हें उस सुबह का इंतजार करना। पता था तुम जरूर आओगी। बैठो ना, प्लीज बैठो। कैसे गए तुम्हारे एग्जाम? ठीक थे। पास तो हो जाओगी ना? इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि तुम पास हो जाओगी इंशाल्लाह। आइए खाला, कैसी हैं आप? खाले की लाइबा है, हमारी पड़ोसन। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी तो प्यारी है, अच्छी हो तो। अच्छा कुलसुम, इसे चाय पिलाए बगैर मत भेजना। हाँ, उसी चाय के लिए तो आई है ये, वरना तो मुझसे खफा होकर बैठी हुई थी। खफा? अरे खाला, बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ, वैसे मुझे भी बहुत देर हो रही है, जरूरी काम से जाना है, बाद में आके सुनूंगी, ठीक है? और इसे खिलाए पिलाए बगैर मत भेजना, ठीक है? खुदा हाफिज। माशाल्लाह, बैठो ना तुम। क्या जरूरत थी तुम्हें कहने की? मैं तुमसे खफा नहीं थी। तो क्या झूठ कहा मैंने? मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, और जहाँ मुझे झूठ बोलना पड़ जाता है, उसके लिए मुझे 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं भाई, ये सब नहीं होता मुझसे। तुम भी ना। किसे फोन कर रही हो? रेहान को। वो क्यों?
अरे मैं उसे बता दूं ना कि तुम आई भी हो। क्या पागल हो गई हो क्या? बंद करो फोन प्लीज। अरे नहीं ठहरो तो सही। तुम क्यों कर रही हो इस तरह? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अच्छा ही सोचेगा, जो भी सोचेगा। वैसे भी तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचता है। जो भी है, अगर तुमने फोन नहीं बंद किया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे फोन ही नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, रास्ते में ही होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। तुमने उससे मेरे बारे में क्या कहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कह सकती हूँ, तुम्हारे सारे मैसेजेस उस तक पहुँचा सकती हूँ। बोलो क्या कहना? नहीं कुछ नहीं कहना। अरे शर्मा क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या कहने हो मुझसे? नहीं कसुम, मेरे लिए सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। मैं अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची और तुम मुझे बात को पता नहीं कहां से कहां लेके जा रही हो। और मैं सच में तुमसे ही मिलने आई थी कसुम। और मैं अभी सिर्फ दोस्त की तलाश में भटक रही हूँ, शायद इसलिए कि मैं अकेली हूँ। फिर मैं समझ सकती हूँ कि लोग ऐसे ही सोचेंगे, पर मुझे तुमसे कुछ शिकवा नहीं है। आई अंडरस्टैंड। अच्छा छोड़ो, चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? इंतजार करो मैं अभी आई। कि तुम रिहान को बहुत चाहती हो, उसे पसंद करती हो, इसके बावजूद तुम इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर राजी हो गई हो? सच बात है फाला कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है और मुझे रिहान की पसंद ना पसंद का ख्याल रखना अच्छा लगता है। ये ले खाला आपकी चाय। थैंक यू। और क्या बातें हुई लाइबा से? बहुत सारी बातें हुई, बल्कि अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया साफ साफ। ऐसी क्या खास बात हुई मुझे भी पता चले? यही कि लाइबा बहुत अच्छी लड़की है और वो जितनी खूबसूरत हर से है उतनी ही दिल की भी प्यारी है, और मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी देर नहीं चाहिए। जल्द से जल्द ना उसके पेरेंट्स से मिल लें आप। क्यों क्यों बात करनी चाहिए? रिहान के लिए। रिहान के लिए? क्योंकि रिहान के लिए लाइबा बिल्कुल सही है खाला। आपने भी तो देख के उसको अंदाजा लगा लिया होगा ना। बुटीक में मैं रोजाना हजारों खूबसूरत लड़कियों को देखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की रिहान के लिए मौजूद है। खाला मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लाइबा की बात कर रही हूँ। आई थिंक वो बिल्कुल ठीक है उसके लिए। देखो कुलसुम, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कभी ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासर नहीं होती, और एक दो मुलाकातों में हम किसी के बारे में कितना जान सकते हैं। तुमने रिहान से इस मामले पर कोई बात की? हाँ खाला, बल्कि ये सब कुछ रिहान की पसंद से तो हो रहा है। आपको पता है लाइबा वही लड़की है जो उसके ख्वाबों में आया करती थी। अब जब उसके ख्वाबों की लड़की हकीकत बनकर सामने आई गई है, तो हमें भी तो चाहिए ना कि हम उसके ख्वाबों को सच कर दें। और तुम्हारे ख्वाब, उनका क्या? अब इन आंखों में ख्वाब नहीं बसते खाला। आप चाय पीजिए ना। तुम यहाँ पर? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, आज सुबह सुबह याद आ गई हमारी? यार वो मेरी जुराबें नहीं मिल रही, मुझे देर हो रही है, प्लीज ढूंढ दो। मर्दाना जुराबें, वो भी तुम्हारे कमरे से? और वो भी नया पेयर, यार बड़ी अजीब सी बात है।
अजीब बात तो है लेकिन समझदारी भी है। अभी तुम फिर मेरे कमरे में आके मुझसे लड़ते, फिर मैं तुम्हारे कमरे की सारी सेटिंग पर बात करती और फिर तुम्हारी कोई चीज़ नहीं मिलती और देर हो जाती तुम्हें ऑफिस से। इससे अच्छा मैंने एक्स्ट्रा पेयर्स लेके रख लिए। समझदार तो तुम बहुत, थोड़ी सी जबान की तेज। वैसे जिस घर में जाओगी ना ब्याह कर, बड़े खुशकिस्मत होंगे उनकी, बहुत खिदमत करोगी तुम। अपने मुँह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती ना। क्या मतलब? मतलब ये कि फिलहाल तो मैं तुम्हारी गुलामी कर रही हूँ, वो भी बगैर मुआवजा। अच्छा तो ये बात कहते तो अम्मी से तुम्हारी मंथली इनकम फिक्स कर दें, वैसे भी ज्यादा देर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। शादी होने वाली है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। वैसे इतना गरूर, इतनी खुदगर्जी। तो ये उजरत की बात आपने ही की है, मैंने नहीं की है। फिर कब कर रहे हो शादी? कर लूंगा, ये जो फिलहाल ऑफिस से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है ना, इससे ध्यान ही नहीं हटता मेरा। देख लेना कहीं तुम्हारे ध्यान के चक्कर में किसी और का ध्यान ना बढ़ जाए इधर उधर। किसकी बात कर रही थी? मायबा की और किसकी? मायबा कल आई थी? हाँ आई थी, बैठी थी, चाय भी पी थी उसने। अच्छा मेरे बारे में बात हुई? क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे बारे में बात हुई? सीधी तरह बताओ ना मुझे। यही कि तुम इस घर के फालतू। बस हाँ भाई, फिर हम लोगों ने अपनी बातें क्यों करनी चली गई। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बातों से क्या लगता? तुम बहुत परेशान है। परेशान क्यों? उसके इम्तिहान चल रहे हैं ना, इसलिए। चलो ये भी कोई परेशानी है, इम्तिहान तो इवेंचुअली खत्म ही हो जाते हैं। हाँ लेकिन लड़की के असल इम्तिहान तो उसके तालीमी इम्तिहान के बाद ही शुरू होता है ना। इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, उसके माँ बाप उसे कब तक घर पर बिठा के रखेंगे? उसकी शादी करवा देंगे जल्दी, है ना। अच्छा तो कलो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये भी मैं ही बताऊँ? कलो देखो ना, तुमसे बेहतर अम्मी से कोई बात नहीं कर सकता, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तुम ऐसा करो, अम्मी मेरी और लाइबा की बात करो। रेहान तो मुझे हर चीज में घसीट दो, खुद से कुछ भी नहीं कर सकते तुम, क्या क्यों? देखो कलो प्लीज, तुमसे बेहतर अम्मी से ये बात कोई नहीं कर सकता। तुम अम्मी को समझाओ ना कि मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, यू आर स्वीट। अब तुम्हें कॉल करूंगा ऑफिस, देर हो रही है मुझे, मैं चलता हूँ। बाय, थैंक यू। एक तरफा मोहब्बत की बहुत कुछ और होती है ना, उसमें बिछड़ने का गम है ना, बेवफाई और ना मिलने की आस। कुलसुम मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम रेहान को बहुत चाहती हो, उसे पसंद करती हो, उसके बावजूद तुम इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर राजी हो गई हो। सच बात है फाला कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है और मुझे रेहान की पसंद ना पसंद का ख्याल रखना अच्छा लगता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, मुझे तो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की की तलाश है जो उसे टूट कर जाए, मुश्किल वक्त में उसका साया बनी रहे। तो कुलसुम ये सब कुछ तुम कर सकती हो, इसके लिए तो मुझे से सारी जिंदगी मोहब्बत करनी पड़ेगी खाला। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही मिलेगा नहीं खाला। मोहब्बत एक प्यास का नाम, मिल जाए तो बुझ जाती है। मैं उससे सारी जिंदगी मोहब्बत करती रहूं
इसके लिए लाजिम है कि मुझसे मोहब्बत ना करे। वो जो चाहता है ना खाला, उसे दे दे। जिसको पसंद करता है उसका हो जाए प्लीज। कुलसुम आखिर तुम किस मट्टी की बनेंगी? तुम्हें जरा भी जलन नहीं होती? सच बताऊं तो जलन है, हसद है, रकावत भी है। लेकिन अगर मैं रेहान से मोहब्बत करती हूँ तो मुझे उससे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी जिसे वो पसंद करता है। मैं जाकर भी लाइबा से नफरत नहीं कर सकती खाला। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप एक दफा लाइबा की अम्मी से मिलें। ठीक है, मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। और अगर तुम मेरा जवाब सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले से बता देती हूँ कि मेरा जवाब ना में ही होगा। आप ना कर ही नहीं सकते खाला, क्योंकि आप भी रेहान से बहुत मोहब्बत करते हैं। हेलो, कैसा लग रहा है? बस ठीक ठीक। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरी फेवरेट शर्ट है, मुझे पता है मैं इसमें बहुत कूल लगता हूँ। कूल लगते हो? तुम्हारी फेवरेट शर्ट है इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी को पसंद आएगी। एक सेकंड, क्या मतलब है भाई? ठहरो ना, ये शर्ट पहनना बहुत अच्छी लगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। पहनो ना, बहुत अच्छी लगेगी, प्रॉमिस। नहीं, हर बात क्यों मनवाती हो? मुझे तुम्हारा शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। काश मैं तुमसे हर बात मनवा सकती। कर लो। मुझे तो बहुत मजा आता है आपको लेने बैठ के। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी ड्रीमरी बहुत पसंद है। मेरा भी ड्रीमरी के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजरता है। ऐसे कहो कि दोस्त है मेरा, मोटलेस भी। बोलते तो कुछ नहीं है, बस सांस देते हैं। सही कह रही हो। अरे सॉरी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। मेरा नाम रेहान है और मैं इसी घर में रहता हूँ, और इस लिहाज से मैं आपका पड़ोसी हुआ। मैं जानती हूँ। अच्छा, इसका मतलब है आप सब कुछ जानती हैं। सब कुछ मतलब? मेरा मतलब है, आई होप यू डू रियलाइज के इस वक्त इस तरह हमारा यहाँ मिलना महज इत्तेफाक नहीं है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो आप कल सुम को बुलाते हैं, पता नहीं कहाँ रह गई है। आई थिंक आप थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, आई एम सॉरी। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं,
मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? यही कि आपका घर है, मैं क्यों रोकूंगी आपको आने से। वैसे ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे। थैंक यू, तुम वाकई बिल्कुल ठीक कह रही थी। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं तो सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते उन्हें डिनर पे बुलाकर लाइबा को बाकायदा रिहान के लिए मांगूं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप पारा, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा झंडा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, तो जितने कम लोग हों उतना अच्छा। बल्कि मैं तो कहती हूँ लगे हाथों घूटियाँ भी बदल लो। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन पता नहीं उन लोगों को कोई एतराज़ ना हो इस बात, माने या ना माने। नहीं नहीं खाला, मुझे लगता है वो लोग ज़रूर मान जाएंगे। आपने देखा नहीं था वो कैसे रिहान के बारे में पूछ रहे थे कि वो कितना कमाता है, कितनी तालीम है, कहाँ जॉब करता है। मुझे लगता है वो ज़रूर मान जाएंगे। देखो ये गलत बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम कुलसुम से बहुत अटैच हो। मैं बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ भाई, क्या हो गया तुम्हें? रेहान, कुलसुम का जो तुम्हारे दिल में मुकाम है मैं जानती हूँ कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। वो जा रही है, वापस कब आएगी? अरे बुद्धू, उसकी शादी उसके पुप्पो के बेटे के साथ तय हो गई है। उसकी पुप्पो ने उसे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद किया है, शादी हो रही है उसकी। कसुमी की शादी? हाँ, और हम सबको जाना है, समझ रहे हो ना मेरी बात? कुलसुम तो मुझसे बहुत जिद कर रही थी कि आप मेरे साथ चलें, मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होगी,